यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, और क्या कहना चाहेंगे इंटायर टीम को कल्याण जी जाना को? सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो शुरुआत की, बहुत छोटे से शुरुआत किया, माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े टेक्नीशियंस को और बहुत सारे लोगों को अवार्ड देते हैं। वो आज मुझे भी अवार्ड लिस्ट में रखा गया, मैं भी अवार्डी हूँ, तो ये अच्छी बात है। चूँकि अवार्ड जब मिलता है तो एक ताकत आती है, एक इंस्पिरेशन आता है और एक अच्छा एक मोटिवेशन होता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए जो हमको एक सराहनीय है, एक अवार्ड दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत उनकी मेहनत है, बहुत कोशिश है और इस कोशिश का नतीजा है कि हम लोगों ने शुरुआत की थी बहुत छोटी जगह से और आज माशाल्लाह बहुत बड़े एक फाइव स्टार होटल में अवार्ड का आयोजन किया गया। सो बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं उनकी पूरी टीम को और जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हैं। हाँ भैया भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के लिए? मैं कल्याण भाई को मुबारकबादी देना चाहूँगा इस अवार्ड के लिए। उन्होंने 4-5 अवार्ड पहले भी करवा चुके हैं, अभी उनका ये एक और अवार्ड है और स्पेशली ये अवार्ड में मेरी डायरेक्ट नॉमिनी भी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट को भी और कल्याण जाना को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुंबई जैसे शहर में इस काबिल समझ के दार्शनिक मुंबई ने मुझे अवार्ड दिया, मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये अवार्ड लगातार करते रहे, बहुत दिनों से करते हैं और जब उन्हें कुछ लगता है मुझे मुझे सम्मानित करते हैं, मैं उनके दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरी शुभकामना है कि दार्शनिक मुंबई आगे बढ़े, कल्याण ही जाना का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी मीडियाकर्मी जो भी हैं, आप लोग का भी प्यार है, आप लोग का सहयोग है, मैं सभी को बातों को पहुंचा रहे हैं, सभी के पास दिल से धन्यवाद है। और मैं चाहूँगा इस अवार्ड से मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और अच्छे से अच्छे काम करके अच्छा से अच्छा गाना बना के पब्लिक के पास पहुँचाऊँ, ये मैं प्रण करता हूँ, वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं अच्छा से अच्छा संगीत के प्रति समर्पित होकर और भी आगे मैं काम करूँ। और आप 2020 में और 21 में कौन सा भोजपुरी गाना आ रहा है? 2021 में अभी कई सारी फिल्में हैं, लेकिन मैं थोड़ा भोजपुरी को कम करके हिंदी की तरफ रुझान किया हूँ। हिंदी बहुत सारे गाने हमारे आ रहे हैं, भोजपुरी भी कुछ फिल्में हैं, हिंदी म्यूजिक तैयार हो रहे हैं और हुए हैं, जो रिलीज होने वाले हैं। 2020 तो लॉकडाउन कोरोना में चला गया, कोई काम हुआ नहीं, लेकिन 2021 में ये 20 पे भारी पड़ेगा और 20 को भुला देगा, इतना सारा काम होगा 2021 में। अभी भी कोरोना पूर्ण रूप से नहीं गया है, लेकिन सब काम शुरू है, इसमें हम लोग मजबूत होकर काम करेंगे। बहुत सारे गाने आ रहे हैं हिंदी नए नए। थैंक यू है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये 2021 है, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा गोल्डन जुबली है, 50 साल हुए। तो किसी भी कलाकार के लिए 50 साल तक काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। तो ये 50 साल का यानी गोल्डन जुबली ईयर का ये मेरा पहला अवार्ड। और दूसरी बात ये है कि ये जो कल्याण जी हैं, ये बेचारा गरीब आदमी है लेकिन दिल का राजा है, फकीर है, फकीर भी है और राजा भी है, हिम्मत वाला है। इतना बड़ा फंक्शन अरेंज करना, इतने अच्छे होटल में इतने गेस्ट को बुलाना, अवार्ड देना, अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा हिम्मत वालों का साथ देने की कोशिश करता हूँ। एक मुखड़ा है फिल्म नया दौर का कि कुछ हैं दौलत वाले, कुछ हैं ताकत वाले, असली वाले वो हैं जो हैं हिम्मत का। तो ये बहुत ही हिम्मत वाला लड़का है और इसी वजह से मैं आया हूँ उसके फंक्शन में, उसका साथ देने, उसकी पीठ थपथपाने, उसके दिल को ही करने। तो यही वजह है मेरी आज यहाँ आने की। और कोई सवाल है? ये पूछना चाहूँगा कि 50 साल आपकी जो जर्नी पे हो गए, तो किस तरह से याद करते हैं उन दिनों को जब और खास करके 2020 को कैसे याद? 2020 को अगर हम भूल जाएं तो अच्छा है। याद करने के बजाय वो एक बुरा सपना था, बुरा ख्वाब था। अब आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, पीछे मुड़के देखना नहीं है और उसमें किसी की कोई गलती नहीं हुई। एक मुल्क जो है उसकी चपेटे में नहीं आया था, बल्कि पूरी दुनिया जो है
उससे मुतासर हुई, उससे अफेक्टेड हुई, सब दुनिया का एक एक इंसान। तो अब हमें आगे बढ़ना है और जो गाड़ी हमारी 8-9 महीने पीछे रह गई है, लेट हो गई है, ज़्यादा काम करती है, हमें उस टाइम को रिकवर करना है जो कोविड की वजह से हमने ज़ाय कर दिया। आपकी जर्नी के बारे में किस तरह से, ये 50 साल किस तरह के हैं? 50 साल में 500 से ज़्यादा फिल्में की हैं, 19 जबानों में काम किया है, 19 लैंग्वेज, और जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया है। शुरुआत पीआर इशारा से हुई, स्ट्रगल भी किया, फिर राज कपूर साहब आए, पीआर इशारा ने मुझे डिस्कवर किया तो राज कपूर साहब ने मुझे रीडिस्कवर किया। और आपने ये जो एक बात पूछी है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाना चाहूँगा। ये बात है 1963 की, मैं लिकिंग रोड पर रहता था और वहाँ नीलम होटल का इनॉग्रेशन हुआ, तो राज कपूर साहब वहाँ पर आए थे, मैं छोटा सा था, मैं उनका बड़ा फैन था, तो फिर वो चीरता हुआ गया वहाँ नीलम रेस्टोरेंट पर, लोग थे, उसका गुस्सा था, मैं पहुँचा तो राज साहब इसी सेक्शन में बैठे थे, तो बीच में शीशा था, बिल्कुल मैं उनके इतने करीब था और अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो मैं यूँ देख रहा था, मैं राज कपूर साहब को इतने करीब से था। वही जो 12 साल का बच्चा था उसने 17 साल के बाद राज कपूर साहब की फिल्म में एज ए मेन विलन का काम किया। तो ये ज़िंदगी होती है, तो जिन लोगों को हम सपनों में देखते थे, जिन की फिल्मों का टिकट लेने के लिए हम घंटों लाइनों में खड़े होते थे, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला और हमें क्या चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मैंने इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया, मैंने इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया, जो कुछ भी दिया है मुझे इंडस्ट्री ने दिया है, नाम दिया है, इज्जत दी है, यश दिया है, दो पैसे दिए, ये सब कुछ जो है ये मेरी इस इंडस्ट्री का कमाल है और मैं मेरी इंडस्ट्री को कोटि-कोटि दूंगा। कितनी खुशी की बात है और अवार्ड मिला है, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये 2020 के बाद जो 2020 का दौर था उससे बड़े परेशानी थी, और 2021 में जनवरी का ये पहला अवार्ड है, इसके लिए सबसे बेहद खुशी हो रही है। और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बोला पीछे से, हाँ, हम आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जी, थैंक यू कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारे प्रोग्राम जब शुरू होते हैं उससे पहले से ही आपकी एक दिन पहले से पूरी तैयारियाँ, फिर आके यहाँ खड़े रहना, आप लोग जो मेहनत करते हैं ना उसके लिए मेरे पास केवल इतना ही शब्द है आपके लिए कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से भी चल सकते हैं लोग पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जरूर ये चीज़ अगर आपने शायरी बोली है जी, तो क्यों ना मीडिया के लिए छोटी लाइन हो जाए आपके आवाज़ से। ज़रूर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक गाना आ रहा है सैड सॉन्ग, उसका मैं मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। फिर किसी बात से उसने मेरा दामन छोड़ा, फिर किसी बात से उसने मेरा दामन छोड़ा, हम समझ भी नहीं पाए कब दिल मेरा तो, फिर किसी बात से। और ये अवार्ड मुझे जो मिला है बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एंकर का, उसके लिए मैं कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, आयोजक कल्याण जी जाना जो बहुत ही चुस्तीले व्यक्ति है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का हर साल पुरस्कार देकर सम्मान करते हुए उनको और अच्छा काम करने के लिए का मौका देते हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के समारंभ से जो कलाकार चाहे किसी भी फील्ड का हो, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, लोग हमारे काम का सराह करते हैं तो फिर उनको और अच्छा करने का मन होता है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध करके देने का काम फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से होता है, और निश्चित एक रूलिंग पार्टी के सांसद के नाते मेरा फर्ज बनता है कि
देश के जीडीपी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री का है। आज जो टीवी इंडस्ट्री इतना बड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, तो इस प्रकार के अवार्ड के माध्यम से कलाकारों का भी मनोबल बढ़ता है। और मैं चाहूँगा कि ये परंपरा, ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी कायम रहे। मैं इस कार्यक्रम में आ पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा सारे कलाकारों को मिलकर, और आपका मीडिया के तरफ से निवेदन करूँगा कि आप इन सारी बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास आप भी करेंगे तो दूध में शक्कर जैसा काम। बहुत बहुत लोकल ट्रेन शुरू नहीं हो पा रही, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। आम आदमी, आप जानते हैं कि जो वर्कर होते हैं लोकल ट्रेन से ही सफ़र करते हैं, तीन तीन घंटा लग रहा है विरार से चर्चगेट जाने के, क्या कब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट कर? नहीं, आपकी जानकारी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बहुत पहले से परमिशन दे दिया है, ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन मैं कोई इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी सरकार अपने नगरजनों का, जान माल का रक्षा करने का प्रयास करते हैं। मुंबई जैसे शहर में ट्रेन में कितनी भीड़ होती है हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो बात आपने की कि जो एकदम नीचे का तबके का जो व्यक्ति है जो सर्विस करने जाता है, फिर किसके पास गाड़ी है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। हम बार बार केंद्र सरकार में इस बात का अपील कर रहे हैं, राज्य सरकार को, कि आप इसको शुरू करिए, और मुझे लगता है कि अभी शुरू करना चाहिए, क्योंकि BST बस में तो आप देखते हैं कि कितना खचाखच भर के लोग कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप बात करते हैं तो सभी जगह पर मेंटेन होना चाहिए। ट्रेन में भी बहुत ही जल्दी लोगों को ये सुविधा उपलब्ध देना चाहिए, इस मत का मैं हूँ, केंद्र सरकार भी है, और मैं मानता हूँ कि उद्धव जी इसके बारे में बहुत जल्दी से निर्णय ले लेंगे। बाला साहब जी का पुतले का अनावरण कल हुआ है, तो बाला साहब का आशीर्वाद तो सिर्फ मुंबई शहर को मिलेगा, ऐसा अपेक्षा मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, और जल्दी से हम ट्रेन शुरू करके सामान्य लोगों को सफ़र करने का मौका करके देंगे। थैंक यू सो मच। गरीबों के लिए उसका इस्तेमाल करें, इस वजह से मैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनके किसी भी फंक्शन में या किसी भी ऐसे कार्यक्रम में मैं जुड़ा। एक स्वभाव का काम है, बहुत कम लोग हमारी कम्युनिटी में हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और उसको प्रैक्टिकली उसको एप्लीकेबल भी करते हैं। दूसरा, जहाँ तक अवार्ड का सवाल है, मुझे ये अवार्ड जो मिला है अभी, हमें ये ट्रीटेड मी एज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। खैर, 140 फिल्में की है, काम को एक अच्छा बॉलीवुड किया हुआ है, इसमें दिल पिक्चर भी है, होगी प्यार की जीत, अभी सलमान के साथ की थी मैंने गॉड टू सी ग्रेट, हो बहुत सी फिल्में हैं 140 की गई में कहाँ पर जुड़ा हुआ, और 100 के ऊपर सीरियल कर चुका हूँ, थिएटर से जुड़ा हूँ, थिएटर मेरी बैकग्राउंड है, 200 के ऊपर प्ले किए हैं, करीबन 5000 परफॉर्मेंस स्टेज पे कर चुका हूँ। तो इतना सब करने के बाद आई थिंक ऐसा अवार्ड मिलता है तो लगता है कि हाँ, जो 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 40-45 साल से, वो अब रिकॉग्नाइज हो रहा है। थैंक यू। खास करके कल्याण जी जाना का, जिन्होंने आयोजित किया कार्यक्रम अवार्ड शो, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी बात मेरे जहन में आ गई, और जो जिस शख्स के लिए कुछ कहना है उसके लिए कहेंगे कि जिसने ये हम सबों को ये अवार्ड दिया, जिसका नाम है कल्याण जी जाना, मैं उस बच्चे को काफ़ी सालों से जानता हूँ, मतलब जब से वो यहाँ बम्बई में आया है, और उसकी जो स्पीड मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा, जब फर्स्ट टाइम वो मिला था तो उसने कहा था कि गुरु जी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, गुरु जी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मुझे लगा ऐसे ही फिल्म लाइन में होते हैं, मगर इसकी स्पीड धीरे 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 करते आज वो जम्बो जेट की स्पीड पकड़ ली है। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से वो अवॉर्ड करता है, जितने मेहमानों को बुलाता है, उनमें कई बहुत ही शख्सियत ऐसी होती है कि जो कई अवार्डों में हमको दिखती भी नहीं है, और कई ऐसी हैं कि जो हमेशा दिखती हैं। तो मैं यही कहूँगा आप सबों के माध्यम से, खास करके मीडिया के माध्यम से, पहले तो आप लोगों को सलाम, नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई कि जिस तरीके से मैं कल्याण जी जाना प्यार करता हूँ, आप लोग भी प्यार करके तभी आए हैं, बस उसके लिए यही दुआ करेंगे कि ईश्वर उसकी हिम्मत और ऐसी ताकत को आगे बढ़ाता रहे, और ऐसे ही हम लोगों को वो अवार्ड देता है। आज ही आगे समाचार, थैंक यू। मैं हर बार एक ही बार बोलता हूँ, थैंक यू मीडिया, थैंक यू मीडिया, थैंक यू मीडिया, लव यू। जिस मीडिया को मैं दे नहीं पाया अवार्ड उसको मैं सॉरी कहता हूँ, और जिसको मैंने वादा किया था उसको मैंने पूरा किया। मैं शैलेश भाई का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ,
क्योंकि जिस तरीके से आप सभी को बुलाते हैं और आप लोग आते हैं, आप लोग साथ देते हैं, मैं आप सभी की बात बोलता हूँ। मैं कोई बड़ा ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़ा इंसान हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, छोटा भाई हूँ, और कुछ करने का इच्छा लगता है, मतलब इच्छा होता है मुझे, मैं कुछ करूँ तो मैं करना शुरू करता हूँ और पता नहीं वो हो जाता है। तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, जितने भी अवार्ड शो करते हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। ये जो मेरे अवार्ड शो है, आप लोग भी अवार्ड शो करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं, हम गरीबों के लिए वो करते हैं। तो तमाम जितने भी अवार्ड शो होते हैं इस मुंबई शहर में या पूरी इंडिया में, मैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, आप अपनी शहर में, अपनी स्टेट में वो तमाम जो कलाकार हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करें, खाने का व्यवस्था करें, कुछ ना कुछ हेल्प करें। तो जो भी आप कमाते हो तो समझेगा भाई आप कमा रहे हो, कुछ तो आप हेल्प कर रहे हो। जिस तरीके से ये प्रोग्राम होते होते ना होते होते हो गया, बहुत सारे कठिनाई था मेरी ज़िंदगी में, मतलब इस प्रोग्राम में, लेकिन मैंने थाम लिया भाई मैं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने जितने भी कलाकार को मैंने बोला था भाई आपको आना है, तो सभी कलाकार ने बोला आप हम आएंगे कल्याण जी आपके लिए। तो जब उन्होंने हाँ बोला तो मैंने पीछे नहीं हटा, ठीक है मैं करेंगे। और सलील भाई को ये पता है, हम काफ़ी दिनों से घूम रहे थे, स्पॉन्सर नहीं था मेरे पास, थैंक यू सपोर्ट सूरज साहब, सूरज भाई ने वादा किया है। कल्याण जी अभी तक फिल्म शुरू हुआ है, पिक्चर बाकी है, अभी तुम्हारे जितने भी तुम्हारा शो है उन सभी शो में हम आपके साथ देंगे। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए, और साथ दिया आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर मैम इतनी दूर से आने के लिए, एक डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छी समाज सेविका और एक बड़ी पेशेंट शो करने जा रहे थे आप। मैं चाहता हूँ शायद मीडिया भी बुलाएंगे बॉम्बे से, मीडिया को बुलाएंगे बॉम्बे से, इनको पकड़ लेना। तो बिहार भी, बिहार पटना, बिहार और पटना, बिहार पटना में मैडम कर रही है फैशन शो, अवार्ड शो, जिसमें मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ शो का, मैं जज हूँ, मुझे जज बनाया, चीफ गेस्ट बनाया मुझे, और के जे टॉकीज और दादा साहेब फाल्के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों मीडिया पार्टनर है, पूछिए क्या पूछना है। श्याम झा जो हैं बड़े दिग्गज कलाकार हैं, उन्होंने यहाँ कार्यक्रम में आने का वादा किया था और वो उनके डायलिसिस की वजह से वो नहीं आ पाए, उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमको संदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े स्टार यहाँ पे आए हैं और जो नहीं आए हैं उन्होंने वीडियो दिया है, मैं उनको नमन करता हूँ। उतना वक्त निकाल के इस प्रोग्राम के लिए वीडियो देना, आप नहीं आ पाए, आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच। और तमाम जो कलाकार आए उनको भी धन्यवाद करता हूँ, मेरी जितनी भी टीम मेम्बर है, मेरा भाई मिलन जाना, कैरू जैन, जो तमाम जो मेहनत कर रहे हैं, पंडित शेट्टी सर, हमारे चाली जी, सूरज जी, वो तमाम जो लोग टीम में जुड़ के जो काम के, शैलेश जी, अखिलेश जी और तमाम ऑल मीडिया, मैं सभी से नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। ये तो शुरू है, अभी नया साल का नया महीना है, 24 को मैं कर रहा हूँ, 24 अप्रैल को मैं कर रहा हूँ मुंबई पुलिस आइकॉन अवार्ड एंड छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड, 24 जून को मैं कर रहा हूँ नारी शक्ति अचीवर अवार्ड, 24 अगस्त को मैं कर रहा हूँ बहुत ही प्यारा शो, एक ऐसा शो जो आप लोग कभी नहीं देखा है, वो एक अलग ही दिशा है, BPIF बिजनेस ग्लोबल अचीवर अवार्ड, वो बिजनेसमैन को दे रहा हूँ जिसकी माँ बाप ने उनको कोई घर का पोता मार के, सिलाई करके, ऐसे काम करके पढ़ा के आज वो करोड़पति बना, बिजनेसमैन बना, अरबों करोड़पति बना, ऐसे बिजनेसमैन को हम सम्मान करने जा रहे हैं। और 24 नवंबर को द लास्ट मेरा कोटा पूरा होता है, लास्ट मेरा अवार्ड शो दुबई, 24 नवंबर इस साल मैं दुबई कर रहा हूँ, नाना साहेब फाल्के आइकन फिल्म 2021 दुबई कर रहा हूँ मैं,
24 नवंबर को। मैं सबसे मैं वादा नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ मीडिया को मैं यहाँ से दुबई लेके जाएंगे जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास पासपोर्ट रहेंगे, जो मेरे दिल की मीडिया है, ऐसे कुछ मीडिया को मैं दुबई बना लो नहीं है तो बना लो, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बना लो, सही में नहीं है तो बना लीजिए। मैं कुछ मीडिया को मैं मेरे साथ लेके जाना चाहता हूँ दुबई। पता नहीं दुबई में कोई मीडिया है क्या, नहीं पता नहीं मुझे, तो मेरा देश का मीडिया, मेरी मुंबई का मीडिया मेरे साथ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल्याण जी, एक सवाल है, आप इतने सारे अवार्ड किए हैं, एक मिनट, इतने सारे आप अवार्ड करते जा रहे हैं आज है, तो आप कौन सी कैटेगरी पे आप आने वाले टाइम पे अवार्ड करेंगे, और मीडिया को भी शायद दिए हैं, तो आप जरा कुछ बताना चाहेंगे कैटेगरी क्या रहती है? जी, जितने भी हमने मीडिया को आज दिए हैं, पिछले साल हमने 2 मीडिया को दिया था, लेकिन इस साल हमने 10 मीडिया को दिया, इसके बाद नेक्स्ट साल हम लोग 20 मीडिया को देंगे, ऐसा मेरा मीडिया का 20 मीडिया तक मेरा जाने का विचार है। अगली बार आपका नाम जरूर आएगा। सूरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोलैबोरेशन रहा आपका और दार्शनिक मुंबई का जो आज अवार्ड, ये सक्सेसफुल रहा, ग्रैंड सक्सेसफुल रहा, कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या है आपकी? फर्स्ट प्रतिक्रिया ऐसा है कि कल्याण जी जाना कि जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हम बहुत आगे जाने का सोच रहे हैं कि ये बंदा जो काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, इसलिए जो भी चैलेंजेस थे वो तो चैलेंजेस के पीछे ग्लोबल सनशाइन खड़ी रह गई, तो ग्लोबल सनशाइन उनके साथ हर जगह पे हर टाइम पे खड़ी रहेगी, और कल्याण जी को हमारा सपोर्ट रहेगा। ओके कल्याण जी, दुबई क्यों आप जाना चाहते हैं? आप इंडिया में कई सारे स्टेट्स थे, जम्मू कश्मीर है, लेकिन दुबई क्यों? दुबई इसलिए जाना चाहता हूँ, मुझे किसी ने ताना मारा है जो भाई कल्याण जी आपने पिछले साल दुबई बोला था 6 अगस्त को, मतलब कोरोना काल में तुम क्या उखाड़ लिया, ऐसा बोला था। तो मैं नहीं, जो भी बोला है नाम थोड़ी बता दिया, तो जिसने भी मुझे बोला है मैं उखाड़ता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। आज मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी मेरे पीछे पढ़ के जो भी मेरे बारे में बातें करता है, और बातें करो, जितना बातें करोगे उतना मुझे प्यार मिलेगा और उतना मैं आगे बढ़ते रहेगा, और जितना मेरे पीछे पड़ेगे आप पीछे रहोगे मैं आगे बढ़ते रहेगा, और जितना मेरे बारे में विरुद्ध करोगे और उतना मैं युद्ध में जीतते रहेगा, और क्योंकि मैं जितना मुझे अच्छा लगता है युद्ध करना मुझे अच्छा लगता है। हार करके बाजी कर कहा जाता है। मैडम, आप अपने बारे में बताएं, और पटना में होने जा रहा है ग्रैंड सक्सेस उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, और अपने बारे में जानकारी। जी मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ एंड साथ ही कॉर्पोरेट में जॉब भी करती हूँ एंड साथ में इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। सो इट्स अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी पेगेंट विथ अवार्ड शो एंड विथ कोलैबोरेशन विथ कल्याण जी जैना। थैंक यू, आपके दुआ से मेरा एक अच्छा आज नया हुआ उद्घाटन, आपने पूछा नहीं। आप बता मीडिया पानी कैसा लगा? पानी अच्छा लगा, सही में अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप सभी की दुआ से मेरा एक नया ब्रांड आया है आज मार्केट में जिसका नाम है केजे वाटर। दोस्तों मेरा केजे वाटर मेरा एक ब्रांड आया है, हाँ ये केजे वाटर ब्रांड, ये केजे वाटर केजे टॉकीज तो मेरा आ गया था, आज मेरा केजे वाटर आया है। ये बहुत जल्द आपको हिंदुस्तान की हर गली में, हर मोहल्ले में आपको मिलेगा, तब तक आप लोग दुआ दीजिए। और ये पानी जो जिस तरीके से बड़े बड़े वाटर को लिया जा रहा है, पी रहे हैं, बिस्लरी को और भी काफ़ी नाम, इस तरीके से जितना उनको प्यार दिया ऐसे केजे वाटर को प्यार दीजिए। और मैं चाहता हूँ मीडिया को भी, मैं कुछ मीडिया, सभी मीडिया को अगर पानी पीना है तो ये मैं बटर में दे सकता हूँ। साथ ही साथ फैशन शो में रहा, उसमें उसकी थोड़ी सी रूपरेखा बताएं कि कौन विनर रहा, कौन क्या रहा। मैं खाली इतना बताऊँ, मिस्टर मिस एंड मिसेस आइकॉन दार्शनिक मुंबई पिछले एक साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड ईयर है, अच्छा रहा। जो भी जीता है उन सभी को ऑल द बेस्ट, मेरी जूरी, मेरी चीफ गेस्ट, मेरे गेस्ट और मेरे
फैशन कोरियोग्राफर इन सभी ने जो भी निर्णय लिया है बढ़िया निर्णय लिया है, और जो भी जीते हैं उन सभी को गिफ्ट वाउचर मिल रहे हैं, दिया गया है, और तमाम जो हमने वादा किया था वादा पूरा किया हमने, और साथ में उनको रायपुर में नेक्स्ट मंथ रायपुर में 20 तारीख के बाद उनको म्यूजिक वीडियो एल्बम की शूटिंग और साथ में एक प्यारा फिल्म हम लोग बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है मेरी प्यारी माँ, जिसमें मेरी माँ जो बन रहे उनके नाम है उषा नाटकर्णी। थैंक यू सो मच मेरा नया फिल्म के लिए, मेरे केजे टॉकीज के लिए, केजे वाटर के लिए, और आने वाले जो मेरे म्यूजिक एल्बम बन रहा है तमाम जो विनर है उनके लिए। एंड थैंक यू सो मच, लव यू मीडिया, लव यू मीडिया, थैंक यू, ऐसा ही मुझे प्यार देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाकाल।